वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। और आज का वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए जो लोग अपनी बाइक को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो कि एक न्यू लुक देना चाहते हैं, ये उनके लिए होने वाला है। सो बेसिकली आज हमारे पास आ चुका है हमारा R15 वर्जन 2 का कन्वर्जन किट, जो कि होता है R1M में। और ये किट जो होता है, ये होता है फुल्ली फाइबर फर्निश्ड होता है, फाइबर से बना हुआ बॉडी पार्ट्स होते हैं। और अभी जो हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं, बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ कैसे पार्ट्स हमारे पास रिसीव्ड होंगे, किस कंडीशन में होंगे। तो आज मैं आपको एक ये पार्सल हमारे पास है, इसको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ कि किस कंडीशन में आपको पार्ट्स रिसीव्ड होंगे, कैसे पैक करे जाते हैं, किस कंडीशन में आते हैं, क्या रहता है। तो सिंपली रॉ पार्ट्स हैं हमारे पास, तो उनको दिखाने वाला हूँ। तो ये और ये बॉडी किट जो है, ये R15 वर्जन 2 के लिए है। बहुत जल्द हमारे पास बाइक आने वाली है, हम उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये बेसिकली हमने उसी के लिए मंगाई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको अनबॉक्स करके कि पार्ट्स किस कंडीशन में आते हैं और कैसे आते हैं। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। सो कुछ इस तरह से पार्ट्स जो है वो आते हैं, देख सकते हो ये अंडर बैली है और बिल्कुल रॉ है। और इसकी क्वालिटी ये नहीं कि हाँ इतनी हल्की हो, सॉलिड क्वालिटी है। सो ये अंडर बैली है, ये हमारा टैंक कवर है, देख सकते हो ये भी। इसकी क्वालिटी भी सेम उसी की तरह है, हल्की नहीं है, ठोस है ये भी पूरा, देख सकते हो। इससे बजा के दिखाता हूँ, तो ये भी सही क्वालिटी में है। ये रहा वाइजर जो कि हमारे हेड के ऊपर लगने वाला है, ये रैप किया गया क्योंकि ये ब्लैक फिनिश में, ये फिनिश्ड आता है हमारे पास। ये रही टेल किट, टेल किट देख रहे हो, टेल किट भी सिंगल पीस में आती है। ऑर्डिनरी जो हमारी स्टॉक टेल किट आती है यामा की तरफ से, वो आती है तीन पीस में, जो कि एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और एक सेंटर का लॉक होता है। बट ये वाली टेल किट जो है वो सिंगल पीस में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है और ये टूटती नहीं है आसानी से। और ये रहा हमारा हेड, देख सकते हो ये भी हेड है, क्वालिटी पूरी सारे पार्ट्स की सेम होने वाली है। ये हेड है, ये हमारे डैशबोर्ड्स हैं जो कि मीटर के पास, हेड के पास लगने हैं, वो इस तरह से लगेंगे, देख सकते हो, और बीच में हमारा हैंडल निकल के आएगा। तो ये डैशबोर्ड के पार्ट्स हैं। और लास्ट जो बचता है ये होता है हमारा सीट लॉक, देख सकते हो रियर सीट को खोलने के लिए जो लॉक होता है वो यहाँ पे, ये लॉक वाला पीस है, तो इसके अंदर लॉक लगेगा। तो इस तरह से पार्ट्स आते हैं हमारे सारे, देख सकते हो, बिल्कुल अभी ये रॉ है, कुछ भी तरीके का इसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया गया है। बाकी इसके बाद इसका पेंटिंग सैंडिंग जो भी प्रोसेस रहता है वो होगा, उसके बाद फिनिशिंग वगैरह होती है। सो अभी देख सकते हो बिल्कुल ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और ये सब लगा हुआ है, तो इसको जब सैंडिंग वगैरह करेंगे तब इसकी फिनिशिंग दी जाएगी इस तरह से। तो ये पूरे कस्टम पार्ट्स है। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपनी न्यू बाइक को, मतलब ओल्ड बाइक को न्यू लुक देना चाहते हो, आपके पास V2 है, V3 है, बहुत सारी बाइक्स की किट अवेलेबल है, अगर आपको भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे विजिट करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। सो बेसिकली हम लोग जो डील करते हैं वो ज़्यादातर करते हैं नॉन पेंटेड में, क्योंकि पेंट करके अगर आपको हम सेंड करेंगे तो वो रास्ते में ये है ना स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं रहता है कुछ। तो मेनली हम कोशिश करते हैं कि नॉन पेंटेड में डील्स करें, बाकी पेंट फिनिश आप अपने कहीं भी लोकल एरिया पेंटर से करवा सकते हो। तो ये देख सकते हो बहुत जल्द अब बाइक आ जाएगी, बाइक आने के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसकी अपडेट्स भाई इस YouTube चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। उस बाइक की पूरा प्रोजेक्ट का जितना भी अपडेट रहेगा, जितना भी वर्क हम मॉडिफिकेशन का करने वाले हैं V2 का, वो मैं इस चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस वीडियो के थ्रू हो तो, भाई लाइक शेयर कमेंट सब चीज़ कर देना। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो रिलेटेड टू R1 किट्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।